तूबा अयान कंजर के लिए गिफ्ट लूंगी। हंडी छोरा हंडी हंडी काम करूंगा, काम गेला मां बाबू का नाम करूंगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूं आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस बज गए हैं सुबह के 11, तो हम लोग उठ चुके हैं। तो बस अभी मैंने उठते ही सबसे पहले जैद की खिचड़ी रख दी है, क्योंकि इसको लग रही है भूखू। जब सीटी बजती है डरता है। ठीक है चाचा, तो ना चाचा बोलता है, बोलो चाचा। आनू तो बोलते हैं, आनू को बोलते ना आनू चाचा। आनू बोलता है चाचा, इतना प्यारा बोलता है। हाँ ऐसे ही बोलते हैं आनू भी। मैंने जैद के लिए यहाँ पे कार्टून चला दिए। अब हम देखेंगे चंदा मामा दूल के। और बेटा आज मैं आपका कुछ ना सोल्यूशन करती हूँ भैया। आज हम चलते हैं, कुछ ना कुछ सोल्यूशन करते हैं कि नीचे घूम सके। ठीक है आज मैं यहाँ से आपके ना सारे सेफ्टी गार्ड्स ले आऊंगी। ओके चलो चंदा मामा दूल के। तो गाइस यहाँ पे निकाल रही हूँ जैद के लिए कपड़े, क्योंकि जैद को बस नहलाने धुलाने जा रही हूँ। और आज हम जा रहे हैं बाहर, क्योंकि बाहर हमें लेके आना है बहुत सारा सामान। घर पे ना कोई भी कंटेनर्स कुछ नहीं है, तो वो भी लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं मम्मी ने कल मुझे खिचड़ी बनाना सिखाया था। मम्मी कह रही गोलू ऐसे खिचड़ी बनाई हो, तो मैंने सेम वैसे खिचड़ी बनाई और टेस्ट भी कराई है। लक्ष्य मैं आपको लगेगा मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं अच्छी बनाती हूँ। कैसी बनी है? बहुत अच्छी बनी है ना? बिल्कुल ना अच्छी बनी है। बब्जी कह रहे खिला दो, चलो चलो कब खा लो। दीदी कहेगा दीदी। तो गाइस हमारे घर में चली गई है लाइट, बड़े दिन बाद लाइट गई है। तो बस अभी मैंने जैद का जो पानी है वो भरने के लिए रख दिया। तो जैद अभी करेगा नाई नाई करके जाएंगे घूमी घूमी। अभी चलो नहलाऊंगी, चलो एक सेकंड रुको, एक मिनट होल्ड करो। इतना ऑल आउट लगाने के बावजूद भी ना इसको इतने सारे मच्छर देखियो कान पे हैं। ये नए मच्छर हैं, छोटे छोटे। बस हो गया नाई नाई हो गए भाई, हमारी नाई नाई हो गए। हम कपड़े पहन रहे हैं। हाँ। तो भाई ये हो चुका है नहा धो के एकदम रेडी, न्यू शॉक्स कपड़े पहना दिए मम्मा ने। सुंदर बाबू बन गया सुंदर बाबू। तो बस अभी इसको ना थोड़ा सा दूध वूध पिला के सुला देती हूँ, ठीक है? उसके फिर बाद मैं नहाती हूँ, क्योंकि मेरे सर में लगा हुआ तेल। तो वैसे हमारे घर में जा चुके हैं लाइट, और पिछले एक घंटे से लाइट नहीं है। जैद नहा चुका है। जैद बच्चा नहाने के बाद ना बहुत ज्यादा रोता है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वहाँ पे कोई वेंटिलेशन की जगह नहीं। तो यहाँ की खिड़की खोली है, यहाँ पे गंदा बिछा है। अब मैं जैद को यहाँ सुलाऊंगी, और जैद यहाँ सुलाऊंगी, हवा आएगी, सुलाने के पास फिर जाऊंगी नानी भैया, आप देख लेना, ठीक है? तो गाइस अभी तक लाइट नहीं आई है, 2 घंटे होने वाले हैं। बस मैं फटाफट शावर लेकर आई थी, तक लक्ष्य में पंखा कर रही थी। अब लक्ष्य आएगी नहाने, तो फिर मैं पंखा करूंगी। पैर के 4 बज गए हैं, अभी 4 बजे निकलना था घूमने, उसके लिए सामान लेने के लिए। हाँ हमें सामान भी लेना है यार। चल कोई बात नहीं, लाइट आती फिर चलते हैं। तो आज शुक्र हो अब हवा चलने लगे थोड़ी बहुत, तो मैंने पंखा बंद करा है। सारे घर का काम हो चुका है, झाड़ू पोछा बर्तन। अब बस एक बार ना लक्ष्य आ जाए तो मैं जाकर ना जैद का दोपहर का खाना बनाती हूँ। क्योंकि देखो हम लोग तो फिर भी एडजस्ट कर लेते हैं, पर बच्चों को मैं बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खिला सकती, क्योंकि इसकी ऑलरेडी तबियत खराब है। तो डॉक्टर ने बिल्कुल मना करा है कि इसको सिर्फ और सिर्फ घर का खाना खिलाना है, एक तो हलवा नहीं खिलाना, दूध ज्यादा नहीं देना। तो अब इसके लिए मम्मी ने यही बोला कि तू इसको बस खिचड़ी या दलिया खिलाया कर। तो आज मैंने देखा ना इसके साथ वाला ये वाला जो दांत है ना, वो और एकदम चमक के बाहर आ रहा था। मैंने कहा ये बका टीथिंग की वजह से, क्योंकि 12-15 दिन हो गए, 12-15 दिन से लूज चूल्स हो रहे हैं ना, उसकी वजह से ना इसकी तबीयत भी ना खराब हो रही है, बहुत चिड़चिड़ करता है। तो बस अभी आराम से सो रहे हैं मेरे बच्चा। तो मैंने इसकी ना सॉक्स निकाल दी, क्योंकि इसको गर्मी लग रही थी। इसकी पैंट से मेरा वॉलपेपर मैच कर रहा है बिल्कुल। तो भाई यहाँ पे निक्की चाची भी आ गई हवा देने के लिए बच्चे को। निक्की चाची अपनी ड्यूटी करो, है हवा दो। मैं एक बार इसकी जरा खिचड़ी बना के आती हूँ, खुद भी ले लो थोड़े, बच्चे को भी दो, बालों में कलर। तो भाई फुल रेडी होकर आई है निक्की, बालों में कलर, हाथों में नेल एक्सटेंशन। मेरे नेल एक्सटेंशन तो सारे टूट गए, जैद के बर्थडे के करवाए थे, तो यहाँ का एक निकल गया, यहाँ के 2 निकल गए। घर का काम कर रही थी ना, तो घर के काम करने के चक्कर में लाइट आ गई, शोर मचा रहे लोग। तो यहाँ पर मैंने जैद की सारी बॉटल बॉइल कर ली थी, तो मैं सोच रही हूँ काम करती हूँ, इस वाले कुकर को खाली कर देती हूँ, क्योंकि मेरे पास ना सिर्फ अभी एक ही कुकर है। तो आज एक काम करूंगी, एक छोटा भैया कुकर भी लेकर आएंगे, ठीक है? क्योंकि यार खिचड़ी बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। बाबू जी और बता दो गाना आ गया अपना सभी प्लेटफॉर्म पे, पिस्टल पे लोन। तो गाइस हमारा गाना आ चुका है पिस्टल पे लोन, इंस्टाग्राम पे आ चुका है। मैं बहुत ही जल्दी रील बनाने वाली हूँ, तो आप जाकर जरूर चेक करें और बहुत सारी रील बनाए, क्योंकि ये जो गाना है ये हमारा बहुत ही प्यारा, बहुत ही करीबी गाना है और बहुत ही जबरदस्त गाना है। तो जितने भी लोग जाकर रील पक्का बनाए। तो यहाँ पर ना इसकी खिचड़ी लगती है। तो भाई बाहर का जो मौसम है ना, वो इतना ज्यादा खतरनाक हो गया, इतना ज्यादा प्यारा हो गया, ऐसे लग रहा है बारिश आने वाली है बस। तो मैंने नाम लिया बारिश का, और बारिश इज ऑन द वे, बिजली कड़क रही है। तो गाइस मेरा शावर हो गया एकदम डन, और बस मैं बाहर जा रही हूँ, टिंकू भैया का वेट करूँ। टिंकू भैया बाहर गए हुए हैं गाड़ी को धुलवाने के लिए, और निक्की घर पर है। इस चीज का बहुत ज्यादा मुझे प्लस पॉइंट है, क्योंकि मेरे को ना घर का सामान लेके आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारा सामान है जो नहीं है, घी के डब्बा, रिफाइंड का डब्बा, जैक का ना बॉटल धोने वाला जो क्लींजर होता है वो भी ऐसे रखा हुआ, उसका भी डिस्पेंसर लेके आने। और साथ ही साथ ना यहाँ पर मैंने ट्रैकिंग वाले कपड़े हैं वो भी निकाल लिए। तो हमारे जीरकपुर में होता था ना, मैं ट्रैकिंग वाले भैया को कॉल करती थी, वो आ जाते थे, पर यहाँ पे मुझे पता नहीं ट्रैकिंग वाले भैया कहाँ पर है। तो मैं जाती हूँ बाहर जाके जो कपड़े ना वो भी डायरेक्टली देकर आती हूँ। तो मौसम इतना प्यारा हो रहा है, इतना जबरदस्त हो रहा है ना, इतना अच्छा हो रहा है, बारिश हो रही है प्यारी प्यारी सी, पर मेरे को बाहर जाना जरूरी है बेटा, ठीक है? तो यहाँ पे जैद के चाचू, जैद की चाची सारे हैं, तो मैं और लक्ष्य चलते हैं बाहर, ठीक है? आप गिफ्ट लेके आऊंगी, आ रही हूँ।
तो गाइस पहले ये हो रहा था लाइट आते मैं बाहर जाती हूँ, अब ये हो रहा है बारिश रुक जाए क्योंकि बाहर आ चुकी हूँ, अब बारिश रुक नहीं रही है, अब मुझे भाई मार्केट जाना है, अब मार्केट में भी 2-3 जगह दुकानों पे जाना है, पहले तो भाई बर्तन वाली दुकान पे जाना है, उसके बाद मैंने सोचा है कि ना तूबा, अयान, जैद और चीकू इन चारों बच्चों के लिए ना मैं कंजक आ रही कंजक के लिए गिफ्ट लूंगी, तो बाकी जो 3 गिफ्ट है वो मैं भिजवा दूंगी और चारों के लिए ना प्यारे प्यारे गिफ्ट लूंगी। चीकू मेरे को बोल रहा था कल कि मम्मा मेरा गिफ्ट, मैंने कहा मैं आपका गिफ्ट ना भिजवा दूंगी, बिल्कुल टेंशन मत लेना, होता है ना बच्चों को, और तूबा की ये सेकंड कंजक है। तो गाइस यहाँ पर भाई मेरे को एक हमारी सब्सक्राइबर मिली है, इनका नाम है प्रियंका गुप्ता, और सच में देखो बहुत अच्छा लगता है जब लोग हमसे प्यार करते हैं, हमें देखते हैं, और स्पेशली ये मेरे से फोटो क्लिक कराने के लिए आई, और इन्होंने बोला कि आप मैम मेरे ना रिप्लाई नहीं देते इंस्टाग्राम पे, तो मैंने कहा मेरे जो इंस्टाग्राम है वो भाई हमारे मैनेजर हैंडल करते हैं, हम लोगों को एक दिन में इतने सारे मैसेज आते हैं ना, हमारी भी गलती नहीं, लोड नहीं होते मैसेज। तो इन्होंने बोला कि जब ज़ैद बीमार था तो उन्होंने बहुत सारी विशेज की थी, थैंक यू सो मच। तो भाई दिल्ली का ट्रैफिक तो पूछो ही मत, अभी मैं रजौरी गार्डन में, और यहाँ पे मेरे को जाना है मेन मार्केट, और इतनी देर हो गई है, 10 से 15 मिनट हो गए बत्ती पे खड़ी हूँ, अभी सामने जाना है, समझ नहीं आ रहा सामने कैसे जाऊँ, और बारिश, ओहो भैया बारिश तो फिर आने वाली है, और बच्चों के लिए मुझे गिफ्ट्स ना रजौरी गार्डन मार्केट से लेना है, तूबा के लिए मैं सोच रही हूँ क्लिप्स लूंगी, चूड़ियां लूंगी, क्योंकि ना तूबा के पास सारी फ्रॉक्स है, अयान, ज़ैद, तूबा सबके पास ना सारे कपड़े हैं, तो कपड़े लेने का फायदा नहीं है, तो चीकू के लिए तो टॉय लूंगी, बाकी अयान और ज़ैद का संबंध नहीं आ रहा, उन लोगों के लिए क्या लूं। तो यहाँ पे हम लोगों ने कर दी अपनी गाड़ी पार्क, और अभी लूंगी बैटरी वाला रिक्शा, और बैटरी वाले रिक्शे में जाऊंगी रजौरी गार्डन मार्केट। बेटा मेरे को खुले पैसे नहीं है, मैं देख भाई 10-20 रुपए है खुले, यार मेरे को खुले नहीं है, एक काम करो तुम चाय ले लो, मैं गूगल पे कर दूंगी, जाओ चाय ले लो। इसके चक्कर में, बच्चे के चक्कर में मेरा रिक्शा वाले भैया चले गए, मैंने कह रही भैया रिक्शा रोक दी, जाओ बेटा तुम भी पी लो जल्दी जाओ, भैया अरे वो गूगल पे करेंगे, जाओ तुम ले लो भैया, इसको भी ला दो रिक्शा, भैया पहले फिर बात करूंगी, भैया रजौरी गार्डन मार्केट चलना अंदर। तो भाई रिक्शा बहुत ज्यादा जरूरी था, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि भाई हमारे एक तो बाल खराब हो जाते और दूसरा हमारा कैमरा भीग जाता, और गार्डन में जाने से तो ट्रैफिक बहुत है यार। तो अभी हम लोग ना शॉर्टकट से जा रहे हैं, घूम कर जा रहे हैं, क्योंकि इस साइड तो बहुत ट्रैफिक था, मैंने कहा भैया बैक साइड से ले लो। लास्ट पता है मैंने यहाँ से अपनी एंगेजमेंट के नेल्स करवाए थे, बहुत सुंदर होते हैं यहाँ पे, मैंने ना अपनी शादी के लिए बहुत सारे कपड़े लिए थे इस दुकान से, मैंने बोला चूड़ी चाहिए, कह रहे कितने साइज का चाहिए, मैंने कहा 1 साल का बच्चा है उसके लिए चाहिए, कह रहे नहीं बच्चों की नहीं है। चलो भैया अपनी ऑडी लेके मर्सिडीज लेके चलो कहीं और चलते हैं, चलो कहीं और ढूंढते हैं, चलो भैया से यू टर्न ले लो। मैंने ऑटो वाले भैया, जो हमारे बैटरी वाले भैया है ना, इनको मैंने बोला, मैंने कहा भैया आप यहीं रहना, देखो आप कहीं मत जाना, हम बार बार ऑटो नहीं कर सकते, आप बस मेरे को सामान ले दो और हमारी गाड़ी हमारे को पार्किंग तक छोड़ो, ठीक है आपका इकट्ठा हिसाब हो जाएगा। तो गाइस हम लोग फंस गए हैं ट्रैफिक में, बस ट्रैफिक चलता रहे, रुके ना, और अभी ना मैंने पता कोई भी दुकान नहीं है जहाँ पे छोटी चूड़ियाँ मुझे मिल सके, कुछ और प्लान कर रहा है, लेके चलती हूँ। मैंने क्या सोचा है, बारिश भी आ रही है बहुत तेज, देखो बारिश बहुत ज्यादा तेज हो गई यार, इधर से मैगी ली हो रही, इधर से मैगी ली हो रही हूँ यार, बारिश तो बहुत तेज हो गई। सुबह से मेरे पास टाइम था पर लाइट नहीं थी यार, गलती हो गई भी निकल के, पर भैया एक चीज बहुत अच्छी है, गैस को नहीं लाई मैं, ये चीज बहुत अच्छी है, अगर वो होता ना तो बच्चा मुझे निकालो बाहर, तो बैठता ही नहीं, सीटें आ रहे डबम डबम डबम, मुझे कुछ ऐसा फोन चाहिए जो लगे, क्योंकि बच्चे ना ओरिजिनल फोन नहीं मांगते, पर वो कह रहे यही फोन है, मैंने कहा एक बार जरा इसको ट्राई करके देखती हूँ कैसा लग रहा है। तूबा बहुत खेलती है फोन से, हाँ तो तूबा के लिए स्पेशली फोन ही ले रही हूँ। चीकू का स्कूल जाने का टिफिन बॉक्स नहीं है, पर एक ऑरेंज, हाँ ठीक है ये ठीक है, बच्चों के लिए बॉल से खेलते हैं ना, बॉल से खेलते हैं, बॉल से इतनी सारी पूरा हार्ड है, देख काट नहीं पाएंगे, थैंकू ठीक है। आप इसको हटाओगे तो सेम चीज, ठीक है अच्छी है बोल, हाँ अच्छी है। तो तूबा के लिए फोन ले लिया, तो उसमें पापा का नंबर मिलाती हूँ, पापा लगते हैं एकदम मुर्गी कुकड़ू की तरह, और पाए लगती है पाए लगती है, नहीं बतख तो मैं हूँ, पाए लगती है किटी की तरह चू, ठीक है, और ये बतख मैं लगती हूँ, और लक्ष्य लगती है काले कौवे की तरह, काला बैनर आज कमेंट नहीं आया था, अभी क्यों है ठीक है, अच्छा है फोन ना, अच्छा इसमें ये वाला स्विच है ना, इसको आप चेंज करोगे, इसमें गाने भी बजेंगे, जैसे अभी नाटो नाटो है, इसमें बड़े सारे सॉन्ग्स भी हैं, अलग-अलग फीचर्स हैं, ठीक है। तो ये वाला स्पेशली मैं तूबा के लिए ले रही हूं। तो भाई ये लक्ष्य ने पसंद किया कि दीदी ये लो, तो ये चीकू के लिए पेंसिल है, तो भाई
सबसे पहले मैं चीकू के लिए गिफ्ट ले रही हूँ क्योंकि वो बड़ा बच्चा है, तो चीकू के लिए मैंने लिया डिफरेंट सी पेंटिंग, उसे बड़ा अच्छा लगता है पेंट करना, से अच्छा लग रहा ना डिफरेंट सा गिफ्ट, उसके पास है भी नहीं। और ये सारी इरेजर है उसके लिए, वो मुझे हमेशा बोलता है मम्मी डिफरेंट इरेजर लाओ। और एक ये लिया, ये आप सोचोगे लॉलीपॉप है, पर लॉलीपॉप नहीं है, ये स्टैंप है। अब इसमें बॉयज वाला नहीं था तो मैंने गर्ल वाला स्टैंप लिया उसके लिए। और एक लिया है पेंसिल और एक लिया है टिफिन बॉक्स। तो 1 2 3 4 5 मैंने कहा था उसे 5 गिफ्ट लेके आऊंगी ना, मैंने उसे ऐसे कुदरती बोला था। कल जा रहा था ना, मेरा मम्मा कब आओगे, मैंने कहा बेटा जल्दी आऊंगी, कह रहा गिफ्ट, मैंने कहा मैं आपके लिए 5 गिफ्ट लूंगी, तो मैंने उसके लिए 5 गिफ्ट ले लिए। तो ये मैंने 3 बॉल लिए है टूबा के लिए, जैद और रयान के लिए 3 बॉल लिए है, चीकू को पसंद आएगी, चीकू भी इसी से खेल लेगा, मैंने सोचा 4 ना लूं क्योंकि हाँ टूबा का सामान भी भाई मिल गया। और ये लिए है टूबा के लिए फोन। तो गाइस ये सारा सामान जो मैंने लिया ना, सारा सामान और भी देखती हूँ अभी, जो जो लिए मैं आपको वो दिखा रही हूँ, जो जो सामान मैंने टूबा के लिए लिया ना वो मैं आप भी भिजवा दूंगी, वीफास्ट करा दूंगी ताकि उसको ना कंजक से पहले पहले मिल जाए। तो गाइस कमेंट करके बताना बचपन में कौन कौन खेलता था, कौन से, मैंने भी खेली है, मैंने बहुत खेली है, मेले तो लग जाते थे, हाँ मेले च मिलती थी। तो भाई मैंने चीकू के लिए और एक चीज ले लिया, मुझे चीकू के लिए समझ आ रहा है क्योंकि वो बड़ा है ना, बाकी बच्चे छोटे हैं उनके लिए टॉयज, तो ये बहुत ही क्यूट सा है। ये क्या है मैं दिखाती हूँ, ये ऐसे करके ओपन होता है और ये है पेंसिल बॉक्स। तो चीकू ने कभी यूज भी नहीं करा और चीकू को ना ऐसे डिफरेंट चीजें बहुत पसंद है। मैं चीकू के लिए लिया है ये ग्रे कलर, जैसे मैंने इसके लिए पेंसिल बॉक्स लिया ना ऐसे मैंने इसके लिए एक बॉटल भी देखी, भी बहुत अच्छी लगी मुझे, जैसे ओपन होती है तो पानी कैसे, पानी उतना ही रहता है क्या, अगर जैसे पानी इतना लगेंगे ऊपर करेंगे तो पानी कम हो जाएगा ना। हाँ ये भी मुझे डिफरेंट लगा कॉन्सेप्ट। तो भाई मैंने एक ये बाथ टब लिया है, इसके अंदर बच्चों को पानी डाल के, अभी गर्मी आ रही है तो बच्चे सारे ना इकट्ठे स्विमिंग करेंगे, तो ये वाला बाथ टब मैं ले रही हूँ और बच्चे जब भी स्विमिंग करेंगे ना आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि जब मैं शायद पिछली बार दिल्ली थी ना तो मैंने अयान और तूबा की वीडियो देखी थी, वो चीकू के साथ स्विमिंग कर रहे थे और बहुत ज्यादा एंजॉय करते। और आज मैं जैद को ना बाल्टी में जब डाला था ना तो पानी को छप छप कर रहा, और इतना है ना भैया कितना एंजॉय कर रहा था ना, बहुत खुश हो रहा था। मैं ये लेके जाऊंगी ना फुला कर दूंगी तब बहुत एंजॉय करेगा। तो भाई मेरा ये मन था कि मैं तूबा के लिए फोन लिया, अयान और जैद के लिए मैंने सेम सेम बॉल लिए, तो मेरा ये मन कर रहा था कि यार मैं ना कुछ ऐसे भी चीज लू, कुछ और भी लू, ठीक है। तो मैंने ये लिया टॉक वाली कैट, तो बात करती है, बोलेंगे पापा पापा मम्मा, तो मम्मा और आनू बोलेगा अच्छा, बोलेंगे अच्छा। तो गाइस मैंने इतनी सारी शॉपिंग के लिए बता नहीं सकती। तो ये मैंने ना ट्रैवल बैग लिया क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले की बात है, और जब जैद का बर्थडे था ना तो पिंक कलर का ना एक बैग आया था, वो पिंक कलर का है तो गर्ल्स का है, तो वो टूबा के लिए बैग है। तो मैंने ये वाला जो बैग लिया ये अयान और जैद के लिए, कभी भी अयान जैद को लेके जाऊंगी ना तो इसमें सामान लूंगी, ये बहुत ही बढ़िया लगा। और मैंने बहुत सारा सामान ले लिया चीकू के लिए, ये बुक भी ले ली है ब्रेन ट्रेन, जिससे चीकू अपने दिमाग को तेज करेगा, ऑलरेडी तेज है और ज्यादा तेज करेगा। घर से चले थे ना जब, हाँ दो टॉय ऐसी भैया एक बात बताओ, मैं मानती हूँ दो टॉय लेती, बच्चे दो है, बच्चे भी तो चार है ना, तो फिर चार बच्चों के हिसाब से टॉयज भी ज्यादा होते हैं। चलो भाई शॉपिंग हो गई डन, तो ये रहे मेरे दो टॉयज, इतने सारे टॉयज हो गए। वह हमारे जो भैया ना हमारे वेट करे, भैया आ गई बारिश भी रुक गई, चलो। तो गाइस बस अब फटाफट घर पहुंचती हूँ, 6:30 हो गया, सूरज भैया को मैंने कॉल किया, मैंने कहा भैया जैद तंग तो नहीं कर रहा था, जैद बिल्कुल भी तंग नहीं कर रहा, समोसे वेट कर रहे हैं। ओए यार मेरा समोसे खाने का बड़ा मन कर रहा है, शॉप बंद तो नहीं होगी? नहीं नहीं शॉप खुली होगी। सूरज भैया को कॉल कर दिया, समोसे लिया, सब दो दो खा रहे हैं, दो ला दो, मैं दो, टिंकू भैया दो, सूरज भैया, निक्की पता नहीं आधा एक खाएगी, निक्की भी खा लेगी दो, कोई बात नहीं सब खाएंगे। और अभी भैया दूध भी लेना है, फिर हम चाय रख लेंगे ना, और आज करेंगे बारिश को एंजॉय समोसा और चाय के साथ, समोसा पार्टी चाय पार्टी। तो गाइस पहुंच गए पार्किंग में और निकलते घर की तरफ। तो भाई सारा काम तो हो गया, एक काम तो हमारा रह गया, मेरे को कंटेनर लेने थे, मैं सामान भी लिया ही, बालों का काम भी कराई, वो जो जरूरी काम था वो रह गया। तो घर के पास जा रही हूँ, अभी बारिश भी रुक गई है, थोड़ा जैद को भी घुमाऊंगी, चले थोड़ी देर बाहर चले आउटिंग कराने, चले भाई कंटेनर लेने के लिए सारे जा रहे हैं, चलो निक्की को भी लेके जा रही हूँ, मैं जरा चच्ची भी घूम लेगी। तो यहाँ से ना मैंने सारा सामान लिया था अपने किचन का, जब मैं और पाल आए थे तो मैंने कहा यहाँ से ले लेती हूँ किचन का सामान, क्योंकि बहुत सारा लेना है। तो सबसे पहले तो मैंने लिया रिफाइंड ऑयल डालने के लिए डिस्पेंसर, क्योंकि ऑलिव ऑयल तो रखा हुआ था, मैंने देखा रिफाइंड ऑयल ना ऐसी थैली खोल के रखी हुई है, तो ये लिया मैंने, कांच का नहीं लिया कि टूट ना जाए। तो भाई यहाँ पे मैंने ले लिए है दो सेट, एक में 3 है, ये दाल चावल चीनी रखने के लिए, और घर पे ऐसे सामान बहुत सारा रखा हुआ है, मैंने इतना 3 ले लिए, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा भी रखे रहेगा ना तो अब तो भी रहना है यहाँ पे, तो ये चीजें तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे एक छोटी सी ग्लासी देखी, कह रहे मम्मा दो, ये लो आपके लिए, पकड़ो तो सही, ये आपके लिए, ये आनू भाई के लिए, और ये तुबु दीदी के लिए, ठीक है छीछी ले लू। फिर चीकू कहेगा मम्मा मिली नहीं ली, तो चीकू के लिए भी ले लेती हूँ, चीकू के लिए बिग ले लेती हूँ, ठीक है सबके लिए सेम सेम, ओके हैप्पी सबके लिए सेम सेम, आप बिग नहीं हो स्मॉल हो। जादू बाल्टी ले, ये दाल मखनी वखनी रखने के लिए, ये ना आएगा अपनी बाल्टी खुद भर के। हाँ सही बात है, ये 4 अलग कर दो यार, मैंने वो 3 कप लिए तो मुझे तो ज्यादा चाहिए लग रहा है। अच्छा सॉरी नहीं अपनी छीनूंगी मैं, अरे वाह यार ये ज्यादा कहाँ
काम करती हूँ, ये ले लेती हूँ तीनों की जगह, है ना, ये दे। और ये चीकू के लिए बड़ा, आप वो तीन की जगह ये दे दो, हाँ ये स्मॉल और एक बिग ब्रदर के लिए बिग। तो गाइस अभी कुछ टाइम पहले ना हम लोग ना निकाह में गए थे, तो याद है भाई निकाह में गए थे, आप नीचे सूरत भी थे, तो वहाँ पे ना लोग हमें ना खाना सर्व कर रहे थे, तो ऐसे पकड़ा हुआ था, एक में दाल थी एक में कुछ था, एक में कुछ था, ऐसे पकड़ रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था। तो मैंने पहले सोचा था कि हम कभी भी जाएंगे ना तो ये चीज भी जरूर लूंगी, ऐसे वाला, जैसे कोई घर में गेस्ट आए या घर में कभी लंगर हो या घर में कोई पाठ पूजा हो, सबको ऐसे डालना हो, समझ गए ना, ऐसे पकड़ के वही वाला मंगवाना, चार खाने होती है। हाँ हाँ, तो गाइस मेरा ना दिल आ गया इसके, मैंने तीन तो लिए थे ज्यादा या दूबर चीकू के लिए, तो मैं सोच रही हूँ काम करती हूँ, बच्चों के लिए तो छोटे ले लिए, तो अभी काम करती हूँ मैंने ऐसे में ना थोड़ा, ये तो बड़ा है ये ज्यादा छोटा हो गया, इसमें मिडिल साइज वाला ना ले लेती हूँ छह भैया, कैसे कोई घर पे गेस्ट आएगा उसके लिए डिफरेंट नहीं रहेगा, चाय के लिए डिफरेंट, और सुंदर भी लग रहा है, कप तो टूट भी जाते हैं, टूटेगा भी नहीं। तो गाइस ये वाले की मैं बात कर रही थी, जैसे इसमें दाल रख ली, इसमें मिक्स सब्जी रख ली, इसमें कोई और सब्जी रख ली, जैसे कभी भी कोई घर में गेस्ट आता है कुछ आता है तो ऐसे करके सर्व कर सकते हैं, घर में कोई पाठ पूजा है ना उसके लिए, सही है ना निकी, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मेरे को चाहिए भी था, ये पायल भी बोल रही थी तो मैंने ले लिया। तो मेरे बर्थडे पे ना हम लोग गए थे निष्ठा के घर पे, तो वहाँ पे ना मम्मी ने ना मैं खाना इसमें सर्व किया था, एक में पनीर रखा था, एक में राजमा रखा था और एक में चावल थे, तो मेरे को पायल को लेने का ये भी मन कर रहा था कि हम जाए, फिर हम लोग गए भी थे पर हमें ना समझ नहीं आया कौन सा ले, तो मैंने सोचा एक काम करती हूँ ये वाला जो सेट है ना ये भी ले लेती हूँ, सब्जी गर्म रहेगी, हाँ और अच्छा भी लगता है, ये तो थोड़ा छोटा हो गया भाई, मैं इससे बड़ा साइज ले रही हूँ। तो भाई मैंने ये किचन के लिए दो टॉवल भी लिए, बहुत ज्यादा क्यूट से लग रहे थे, ऐसे हाथ साफ करने के लिए बड़े प्यारे लग रहे थे, तो मैं सोचा ये भी ले लेते, तो ये भी ले लिया। तो भाई चीकू के पापा के लिए एक पैडल ब्रश भी ले लिया, इनको ब्रश की बहुत जरूरत पड़ती है, मैंने घर पे ऐसे एक्स्ट्रा रखी हुई है, मैंने कहा फिर भी मैं ले लेती हूँ, एक ब्रश इधर भी रख दूंगी क्योंकि आते जाते रहते तो काम आएगा। और मैंने ये एयर टाइट कंटेनर वाला लिया, इसमें ना जैद का सामान डालना, बहुत बढ़िया लगा, बिल्कुल एयर टाइट है, कोई भी सामान खराब नहीं होगा, बिस्किट नमकीन के लिए, तो ये दो डब्बे भी लिए। तो भाई मैंने एक छोटी सी टोकरी ली है चीकू के लिए, जैसे चीकू का भी नमकीन खाता है बिस्किट खाता है ना, उसके लिए अच्छी लग रही है ना, छोटी सी क्यूट सी। तो गाइस बस मैं मार्केट से आई तो देखा मम्मी भी आ रखी थी, और मम्मी कीना दोनों दादू की जगह खेली खेली कर ले, फिर मत जाइयो बेटी, तो गाइस इस ब्लॉग को ये एंड करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय गाइस, गुड नाइट एवरीवन। और गाना आ चुका है पिस्टल पे लोन इंस्टाग्राम पे, जिसने अभी तक नहीं देखा जाके रील बनाओ, मैंने जस्ट अभी रील बनाई है, जाके चेक करना और अपना कमेंट जरूर करना कि आपको गाना कैसे लगा है।